तो भाई आज का जो व्लॉग है ना, ये वापस हम पंच का रखने वाले हैं और पंच का ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में कुछ चीज़ें हमने लगाई हैं और आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि आज इस गाड़ी में जो भी काम हुआ है ना, ये मात्र 26,000 रुपये के अंदर हुआ है, यानी कि 26,000 रुपीज़ में आप अपने पंच में क्या क्या चीज़ें लगवा सकते हो। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि एक बेस वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट है, सीएनजी वाला वेरिएंट है, ये भी बता दो। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखोगे डीआरएल जहाँ पर होती है। खैर, पंच में बेस मॉडल में डीआरएल नहीं आती है, इसमें हैलोजन बल्ब होता है, उसको चेंज करके हमने इसमें वाइट एलईडी लगा दिया। ऑप्शन की भी बात करूँगा, यहाँ पर आप एलईडी लगा सकते हो उसकी हेडलाइट्स में, और नीचे फॉग लाइट यहाँ पर नहीं आती, बट हमने इसमें फॉग लाइट जो है वो लगा दिया। प्लस आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन होता है कि आप एलईडी लगा सकते हो, बट आज हमने इसमें हेलोजन ही रखी है, जैसे कस्टमर की नीड। तो ये फ्रंट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पर बल्ब चेंज हुआ है, यहाँ पर फॉग लाइट लगाई गई है, ये हुआ है। बाकी अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे रूफ रेल्स, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी जो ग्लॉसी ब्लैक में आती है, तो ये रूफ रेल आप लगा सकते हो, मजबूती बहुत है, पूरी गाड़ी में इस टाइम पर हिला सकता हूँ। डोर वाइज़र भी अपनी गाड़ी में लगाया गया है, जो कि क्रोम लाइनिंग के साथ में है, ये आप देखो। पंच की बैजिंग भी यहाँ पर आपको मिलेगी। लोअर गार्निश जो कि 6 पीस में आती है, वो भी हमने अपनी गाड़ी में लगा दिया। ऑप्शन की फिर से बात करूँगा तो यहाँ पर आप ऑटो फोल्ड मिरर्स लगा सकते हो, जो कि आप जब की के साथ सेंटर लॉकिंग के साथ जब इसको क्लोज करते हो तो मिरर्स भी अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, ऑटो फोल्ड मिरर बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर व्हील कैप हमने लगाए हैं, जो कि स्पाइडरमैन वाले रहने वाले हैं, वैसे ही लुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये साइड से आज काम हुआ है। बाकी यहाँ पर जो डोर गार्ड है वो भी लगाए गए हैं आई पॉप के। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, पीछे आप शार्क फिन एंटीना भी लगा सकते हो, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट चेंज करा सकते हो, इन सब का ऑप्शन रहेगा। ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें आज खैर नहीं हुआ है, लेकिन आप लगा सकते हो। कैमरा यहाँ पर लगा दिया गया, जो कि एचडी क्वालिटी में रहने वाला है, तो क्वालिटी और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ है गाड़ी के बाहर वाले हिस्से, यानी कि एक्सटीरियर में। अब आपको अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमने और क्या क्या चीज़ें इसमें करी हैं। अंदर आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर सीट कवर कैसे लगाए गए हैं ये देखो। तो रेड और ब्लैक थीम में इसकी जो सीट कवर्स हैं ये लगाए गए हैं, बकेट में रहेंगी, बैठ करके आपको काफ़ी अच्छा फील इसमें आएगा। सीट कवर की काफ़ी अच्छी रेंज हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, जो कि 3,500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर जितना आपका पैसा उसी हिसाब से आपको क्वालिटी भी मिल जाएगा। आमरस इसमें लगा दिया गया है, ये भी ब्लैक कलर में ही लगाया गया है, और स्टेयरिंग पे भी हमने रैप किया है, ये भी आप देख लो, जो कि डुअल टोन में रहने वाली है। आज भैया ने इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं लगाया, बट आपका ऑप्शन होता है कि आप ये चीज़ें लगवा सकते हो। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फ्लोरिंग करी गई है, ये देख सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। सेंटर लॉकिंग भी अपनी गाड़ी में लगा दी गई है, तो इसकी आप की देख सकते हो फ्लिप की, ठीक है, ये भी आप अपनी गाड़ी में लगा लोगे। टाटा का भी लोगो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 4x32 वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पर लगाया गया है, 9 इंची में ये रहने वाला है। आप स्क्रीन की क्वालिटी आप देख सकते हो, बाकी मैं इसका थोड़ा सा टच भी टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखो यार, काफ़ी स्मूथ है, लैगिंग कुछ भी नहीं आ रही है इसमें। तो आप इसमें चाहे नेटफ्लिक्स चलाओ, यूट्यूब चलाओ, प्ले स्टोर चलाओ, गूगल प्ले चलाओ, कुछ भी चलाओ, सब कुछ चलेगा, आपके एंड्रॉयड मोबाइल की तरह ये पूरा वर्क करेगा। तो ये सब चीज़ें आज हमने अपनी इस गाड़ी में लगाई हैं। ऊपर जो रूफ़ में उसमें भी हमने वाइट लाइट इसको कर दिया है, जो कि येलो लाइट आता है, तो इसको भी हमने चेंज किया है। और सिस्टम की बात करें, यानी कि स्पीकर्स की बात करें, तो यहाँ पर अल्फा सीरीज यानी कि इन्फिनिटी हार्मन के जो कोएक्सियल एंड कंपोनेंट्स हैं वो अपनी गाड़ी में लगा दिया है, तो साउंड में भी काफ़ी अच्छा होता है। बट आपको पता है कि मैं साउंड नहीं सुनाता हूँ कभी भी किसी भी गाड़ी में, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हमेशा अब आने लगा है। तो अब बात करते हैं कैमरे की, एक बारी मैं कैमरा भी आपको चेक करा देता हूँ, तो रिवर्स कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी क्वालिटी में काफ़ी क्लियर है ये, क्योंकि एएचडी कैमरा क्वालिटी आपको हम रिवर्स में लगा के दे रहे हैं। तो स्क्रीन भी आपको सही मिल गई, सिस्टम भी आपको अच्छा मिल रहा है, यानी कि म्यूज़िक के लिए भी अच्छा सब कुछ मिल रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये काम कैसा लग रहा है 26,000 रुपये में। तो भाई ये सारा काम जो है ना, ये मात्र 26,000 रुपये में हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अगर आप भी 25,000-26,000 में अपनी गाड़ी में काम कराना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। और आप और कौन सी नई चीज़ें लगाना चाहते हो अपनी गाड़ी में, या फिर लगा करके देखना चाहते हो, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।